दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। परंतु इसके ऊपर सवाल उठते हैं, जवाब सरकार से नहीं मिलता। थोड़े दिनों में कोर्ट में PIL लगनी शुरू हो जाएंगी, खूब यहाँ पे ड्रामा होगा, लोग घर बैठ जाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। 1978 में आई फिल्म गमन का यह गीत आजकल दिल्ली NCR के लिए काफी प्रासंगिक हो गया है। इसका कारण क्या है? कारण है दिल्ली NCR में फैला वायु प्रदूषण। प्रदूषण सिर्फ वायु का ही नहीं है, दरअसल यमुना का भी प्रदूषण दिल्ली NCR के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन गया है। अब आप कहेंगे कि भैया न्यूज, ये खबर तो हमें पता है, आए दिन हम अखबारों में, न्यूज चैनलों पर हम ये सारी खबरें सुनते रहते हैं, तुम इसमें नया क्या बता रहे हो? नया बताने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम, स्वागत है आपका न्यूज पर। हम आगे बढ़ें इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि जागरूकता जरूरी है। एक जमाना था जब डॉक्टर ये सलाह दिया करते थे कि भैया आप सवेरे वॉक पर जाया करिए, आप जॉगिंग करने जाया करिए, लेकिन आज दिल्ली NCR में डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं, घर में बैठो, सवेरे टहलने जाओगे फेफड़ा खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, बिस्तर पकड़ लोगे, दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली की हवा आज की डेट में जहरीली हो चुकी है। आज की डेट में दिल्ली में AQI का जो स्तर है वो इतना गिर गया है कि आप खुले में सुकून से सांस नहीं ले सकते। दिल्ली NCR में करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं और इस प्रदूषण का सीधा असर इन पर पड़ता है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब के सब इस प्रदूषण की चपेट में आते हैं। दरअसल प्रदूषण एक त्रासदी ही ऐसी है। दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार अलग अलग दावे करती हैं। अब इन अलग अलग दावों के बीच में जनता पिस रही है। जनता ये तय नहीं कर पा रही है कि दिल्ली में फैला प्रदूषण दरअसल इसकी जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसको लेकर के क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया के जो डायरेक्टर हैं संजय वशिष्ठ साहब, उनका कहना है कि दिल्ली में गाड़ियों की भारी संख्या, कंस्ट्रक्शन वर्क और आसपास के राज्यों में पराली का जलाया जाना यहां के वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। जरा कंस्ट्रक्शन के पॉइंट पर हम बता दें कि 18 नवंबर को CAQM ने, CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, दरअसल सीधे शब्दों में यह संस्था दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, यानी स्वच्छ हवा कैसे मिले दिल्ली NCR के लोगों को, इसके लिए संस्था काम करती है। 18 नवंबर को अपनी मीटिंग में इसने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4 को एक्टिव कर दिया है। इस आदेश में कहा गया कि प्रतिबंधित किए गए निर्माण कार्य ग्रैप स्टेज 3 के पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन जैसे कार्यों के लिए भी यह प्रोग्राम लागू होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई ठोस समाधान है प्रदूषण रोकने का? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस AS ओका ने सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल किया कि दिल्ली में लगे कंस्ट्रक्शन बैन पर निगरानी रखने के लिए कोई संस्था एक्टिव है। इसके जवाब में वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि सर, यही सुप्रीम कोर्ट में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, हवाओं में धूल के कण बिखरे पड़े हैं। तो ये माहौल है दिल्ली के वायु प्रदूषण का। अब पराली पर भी बात करते हैं। मुझे 2022 से पहले के केजरीवाल याद आते हैं जो दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराया करते थे। अब वो ऐसा कर सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की तत्कालीन CM मैडम आतिशी मार लेना दरअसल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों पर ही दिल्ली प्रदूषण का सारा ठीकरा फोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, पर आप इनको क्लीन चिट दे दे रहे हैं, आप दिल्ली प्रदूषण में भी राजनीति खोज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए किसी को दोषी ठहराना कोई गलत बात है, लेकिन जब जनता ने आपको चुन करके शीर्ष पर बैठाया है तो आपकी प्रथम जिम्मेदारी जो बनती है वो ये है कि कैसे आप राजनीति से ऊपर उठ करके जनता के लिए हालात अनुकूल करें। लेकिन राजनीति करने से हमारे माननीयों को फुर्सत कहाँ है। ये तो अच्छा हुआ कि दिल्ली के चुनाव प्रचंड ठंडी में नहीं हो रहे हैं, वरना
केजरीवाल साहब मॉर्निंग वॉक करने, जॉगिंग करने और योग प्राणायाम करने निकल जाते हैं। अब थोड़ा यमुना प्रदूषण पर बात करते हैं। दिल्ली में जो तस्वीरें हमारे पास छठ के पर्व पर आई वह पूरे विश्व ने देखी थी। सोचिए पूरे विश्व भर में भारत की क्या छवि गई होगी उन तस्वीरों से। अब यमुना प्रदूषण का मेन कारण क्या है? ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली और इसके सटे हुए आसपास के राज्यों की जो सारी गंदगी है, जो इनके इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारे के सारे यमुना में बहा दिए जाते हैं, जिस कारण यमुना सदैव प्रदूषित रहती है। सवाल फिर वही बनता है कि सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या योजना बनाई है? सरकार ऐसे कड़े प्रावधान क्यों नहीं लेकर के आती उद्योगपतियों के लिए कि आप यदि अपने कचड़े को यमुना में बहाएंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इसका भारी जुर्माना आपको देना पड़ेगा, इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर यह टिप्पणी दी है कि स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु देश की जनता का मूल अधिकार है, पर हमारे माननीयों को दोषारोपण आरोप प्रत्यारोप करने से छुट्टी मिले तब तो, राजनीति करने से छुट्टी मिले तब तो। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी शहर का अंत उसकी नदी के अंत से प्रारंभ होता है। अब सवाल ये बनता है कि हमारे माननीयों की चेतना कब जगेगी, हमारी आपकी यानी जनता की चेतना कब जगेगी, कब हम अपने माननीयों से यह सवाल करेंगे कि आपने जो पिछले चुनाव में वादा किया था कि आप यमुना को स्वच्छ करेंगे, सिर्फ स्वच्छ नहीं करेंगे, आप स्वच्छ यमुना में डुबकी लगाएंगे, वह कब पूरा होगा? कब छठ में आने वाली तस्वीरों के कारण पूरे विश्व में हमारे देश की बदनामी नहीं होगी? इसके लिए जरूरी कदम कब उठाए जाएंगे? सवाल बनता है। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। और ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नहीं बनता है, ये सवाल बनता है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकारों से भी। कब आप लोग साथ मिलकर बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस समस्या का हल खोजने का प्रयास करेंगे? कब दिल्ली के नागरिक स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु का अनुभव कर पाएंगे? न्यूज आपके लिए यह सवाल करता रहेगा तमाम सरकारों से। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय सबसे ज्यादा महत्व रखती है। देखते रहिए न्यूज। धन्यवाद।